कि आपका फिल्म की ओर सफर कैसे शुरू हुआ, आपकी फिल्म की यात्रा कैसे शुरू हुई? ये बहुत पुरानी कहानी है, अभी बहुत शॉर्ट में 18 साल में आया हूँ। शॉर्ट वर्जन है, एक्टिंग सीख ली 3 साल बर्लिन में, जर्मनी में, उसके बाद दुबई पहुँच कर वहाँ छुट्टी ली, किसी ने मिला, मूवी मिला, मेन लीग मिला, इस माध्यम से खूब सारे इंडियन लोग मिले, तो एक वहाँ एक मूवी भी किया, एक छोटा सा कैरेक्टर किया, एक मूवी का नाम है स्टॉप, जिसमें ओम पुरी है और ये अजय सिन्हा ने डायरेक्ट किया, और उसके बाद अजय सिन्हा के पास एक टीवी शो थी अस्तित्व एक प्रेम कहानी, एंड ही इनवाइटेड मी भारत, एक बार आओ देखो कैसे लगा परिवार के साथ, सो आई वाज स्टेइंग विद हिज फैमिली, उनकी वाइफ इज माय फ्रेंड नाउ, बेटा भी है, बेटा इज नाउ इन द फिल्म इंडस्ट्री, एंड उसके बाद ये शो में एक कैरेक्टर मिली कैथरीन, so I was shooting in London, I was shooting in Mumbai, तो इसमें शो में क्या आलोक नाथ था या श्रीमानी शिवपुरी वरुण बदोला और ये सारे लोग, तो डायरेक्टली एक ऐसे शो मिली, वो खुशी की बात है, किस्मत की बात है, तो that was 2005, और 2005 के बाद में यहाँ पहली फिल्म कौन सी थी आपकी? मूवी स्टॉप, लेकिन इतना कमियो टाइप्स, इतना छोटा सा कैरेक्टर है, आते जाते हो गया। और हिंदी में ये तो हिंदी है, हिंदी है ना? अच्छा, मेरा जो सारे करियर भारत के है, आई एम मेड इन इंडिया, एक नाटक के अलावा मैं सब यहाँ किया, आई एम ओनली मेड इन इंडिया। इस कैरेक्टर चयन का आपका आधार क्या होता है? एक पेंटर है, वो कलर चूज करता है, उसकी अपनी कोई विजन होती है, जैसे कोई भी रोल आप चूज करती हैं, तो ये प्रोड्यूसर ने आपको ऑफर कर दिया, डायरेक्टर ने ऑफर कर दिया, उस आधार पर करती हैं या कोई आपका विजन होता है? नहीं, डायरेक्टर का विजन है, स्क्रिप्ट का विजन है, उसके बाद मेरी कल्पना भी आ गई, तो ये मिक्स कर देखेंगे क्या होने वाला है। टीवी जब मैंने खूब सारा टीवी किया क्वीन हेलेना के अलावा, देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्रीडम, बहुत लिबर्टी मिली, जो भी करना है करो, देयर वाज डायरेक्शन, बट कोई बैक स्टोरी नहीं है, कहाँ से आ गए, कहाँ जा रहे हैं, फॉरेन बहू है बस, या फॉरेन जर्नलिस्ट है, आपको जाना। बट हेलेना का कैरेक्टर मैंने देखा, पूरा सीरियल हम लोग देखते थे, आपका जो एक नेचुरल जो आपका अभिनय है, एक्टिंग है, मतलब आपके कैरेक्टर में जो एक तरह से भूल जाना नेगेटिव कैरेक्टर को भी, वो जो वो एक भारत के नाट्य शास्त्र में जो भाव मुद्रा है, भाव मुद्रा मतलब कि आपने एक्शन से बिना बोले आप अभिव्यक्त करते हो, वो वहाँ डबिंग किया। हाँ, अच्छा। नहीं, ये मेरी आवाज नहीं थी, नहीं, आवाज की बात नहीं है, बट आपकी एक्टिंग की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, ये लिप सिंकिंग मैंने किया, सारे डायलॉग्स मैंने भी बात किया, एक्टिंग मैंने किया, लेकिन किसी ने क्लैरिटी की वजह से, क्योंकि इस ऐसे शब्दों इस्तेमाल किया, तो क्लैरिटी की वजह से या कुछ हुआ सेट पर नॉइज की वजह से, वो डबिंग की, किसी और की आवाज है, तो दैट टुक अवे टेंशन, क्योंकि इतना दबाव है उसके ऊपर, पहला नेगेटिव, इतने सारे लंबे लंबे लाइन से, इतनी भारी कॉस्ट्यूम है, एसी नहीं हो सकती क्योंकि इतनी बड़े सेट्स है, मैं का इतना बड़ा हॉल हमने शूट किया, देयर इज नो, यू कैन नॉट पुट एन एसी, कोई चांस ही नहीं है, तो हमने 40 डिग्री में शूट किया करजत में, एंड देन कम से कम ये टेंशन नहीं थी कि मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, तो किसी ने डब किया। सिनेमा का जो मैं एक स्टूडेंट रहा हूँ सिनेमा का, सिनेमा में मेरी उनकी समझ है, बहुत सारे लोगों ने सिनेमा की अलग अलग डेफिनेशन किया है, कुछ जो है समाज परिवर्तन, सोशल चेंज, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि बिना कॉमर्स पार्ट के सिनेमा हो ही नहीं सकता। आपकी नज़र में सिनेमा का रोल क्या है, क्या सोसाइटी चेंज में इसका कोई योगदान हो सकता है, कंसर्न है, जैसे बहुत लोग पैरेलल सिनेमा, अल्टरनेट सिनेमा, अल्टरनेटिव मीडिया, इस रूप में आप सिनेमा को देखती हैं क्या? आई फील देयर इज अ रूम फॉर, मैंने कई मूवीज को देखे, ये इसमें सोशल मैसेज है लेकिन मजेदार स्टाइल में, ऐसे अंदाजे में बनाया, वो मैसेज है लेकिन मस्त भी है, सो ये हो सकता है।
सो आई थिंक यू कैन डू दैट, क्योंकि मेरा शॉर्ट मूवी है मजनू की जूली है, देखेंगे इसमें एक छोटा सा आप देखेंगे वो कैच कर रहे कि नहीं है, इसमें सोशल मैसेज है, ठीक है, एक छोटा सा सोशल मैसेज है। कौन सा है आपका शॉर्ट मूवी? मजनू की जूलियत। उसका है, उसका थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कर दीजिए। इट इज अ लॉस्ट दुपट्टा। अच्छा जी। और उसका मालिक कौन है और कैसे ढूंढ सकते हैं, और एक रिक्शा ड्राइवर है, तो अखिली मिश्रा मेरा हस्बैंड है, वो ही रोड डायरेक्टेड एंड एक्टेड इन इट। जी जी। और इट्स अ सरप्राइज, एंड में बहुत बड़ा सरप्राइज है। So it's an 8-minute short film. और इसमें हमने social message भी डाला, लेकिन बिना stamp. देखो ये आप भी social message आ रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं। It's not necessary. You can do it subtly. कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप चीजें। और कई बहुत entertaining shows में भी बातचीत होती है ना, where you're thinking about ना, I don't have an example right now. शायद एक thriller है या कुछ चीजें हैं, लेकिन उसके नीचे एक कहानी है, family की कहानी है, और movie देखने के बाद शायद परिवार के अंदर हम बातचीत करेंगे, हमने क्या अभी देखा और इसके हमारे जीवन में क्या संबंध है, या इसके बिल्कुल opposite है लेकिन, और इसमें कुछ है हम लोगों के लिए। So I'm thinking cinema हमेशा कुछ है वो सोचने की मौका, सोचने की मौका मिल सकते हैं अगर चाहिए तो। आगामी आपकी योजनाएं मतलब फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब अभी कोई बड़ी फिल्म वगैरह आ रही है? मैं अभी मेरा आई एम वेटिंग फॉर माय आर्या पार सेकंड सीजन। अभी हॉटस्टार में एक शो आया, फारिश रावल का बेटा लीड कैरेक्टर है आर्या पार, और मेरा कैरेक्टर एंड में इंट्रोड्यूस हो चुके, एंड वी कमिंग इन सेकंड सीजन, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। कब की शूटिंग है? इंडियन सिनेमा में जैसे आपने आपकी रुचि है, और इंडियन सिनेमा में कोई आपकी नज़र में संपूर्ण कलाकार, मतलब टोटल इसको एक्टर कह सकते हैं आप किसी को, संपूर्ण समझ रहे हैं आप, कंप्लीट एक्टर, ऐसा कोई दिखता है आपको? आई थिंक समबडी हु कैन एक्ट इन ऑल द लैंग्वेजेस। फिर भी बॉलीवुड में आई थिंक देयर आर टू मेनी ऑप्शंस। I don't want to chill some one person and then. ऐसे आप किसकी पसंद करती हैं फिर? My husband. I love my husband as an actor. I think he's completely underrated. Good. Because he's changes. उनकी इतना बदलते हैं character के हिसाब से कि किसी को उसको recognize नहीं कर सकते। ये उसकी कमजोरी है, उसकी शक्ति भी है। Because he can change so much. वो Three Idiots दुबे जी किया, या? लेकिन वो लाल बहादुर शास्त्री भी किया। तो ये दोनों के बीच में क्या है यार, इतना रेंज है। और हमने भी देखा अब यशपाल शर्मा क्या किया इसके चिपकली मूवी में हमने देखा, और इतना बदला। I didn't realize it's him, I know it's him, but I forgot it's him. अगर एक्टर ये अचीव कर सकते कि हम भूल जाते हैं वो कौन है हमारे सामने, वो स्क्रीन पर कौन है, जैसे सॉरी मेरिल स्ट्रीप, she can do this very well. वो मेरिल स्ट्रीप है लेकिन मेरिल स्ट्रीप भूल जाओ, जैसे वो मार्गरेट थैचर का रोल निभाया। I took some inspiration for Sonia Gandhi from her because I wanted to be real. I didn't want to do caricature. I didn't want to be loud, but I didn't want to be too subtle. तो मैं बहुत उसकी एक्टिंग स्टाइल देखकर हल्का सा। बहुत से लोग जैसे रोल करते हैं ना, मतलब जो उनको कोई कैरेक्टर मिलता है, सबकी अपनी अपनी कहानियां कि मैं कैसे उसको जीवंत करना चाहती हूँ, तो आप क्या करती हैं मतलब ऐसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन, जैसे कोई आपको चैलेंजिंग रोल मिल जाए? इट डिपेंड्स ना, अगर हेलेना बिल्कुल कल्पना में थे तो ये राइटर, हाँ, लेकिन इतिहास क्या है वो पूरा, मेरा कैरेक्टर पूरा फिक्टिशियस है। एक हेलेना थी लेकिन ना ईविल थी, ना बच्ची थी, ना बच्चा, शी डिडंट हैव अ सन, शी डिडंट, इट्स ऑल इन द, इट्स नॉट रिस्क। अशोक इज नॉट इतिहास, अशोक वॉज कल्पना, दे जस्ट कॉल्ड इट अशोक, आई डोंट नो। सो it depends if you have a character that is alive, a character hai wo jeevit hai, wo reels dekh sakte, youtube dekh sakte, unki speech pattern ko dekh sakte, kuch bhi hai to ye adopt karna hai. And if it is in fantasy then you are by script, padhne mein shayad pata chala kuch, or costume is always giving something. Yeah, you get something that makes you that person. I'm working more from inside, mera andar se hai, aur
अदर पीपल आर फ्रॉम हिंदी. हिंदी स्क्रिप्ट भी पढ़ लेती हैं? नो नो, रोमन में पढ़ती हूं. रोमन में, क्योंकि आदत आदत नहीं बन गई. शुरुआत से मैंने कहा सौती जिंदगी की किया वाला जी की टीवी शो, और इसमें डायरेक्टली रोमन का स्क्रिप्ट आया. तो अफसोस की बात है, मैं अभी तक मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन बच्चे की तरह बहुत टाइम लगेगा. अधिकतर आप मुंबई ही अब रहती है ना? हाँ, अभी तो ज्यादातर यही रहती है. मैं घर है ना मुंबई में, मुंबई कर में हूँ. मैडम बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन अभी समय वगैरह को देखते हुए मैं